नमस्कार दोस्तों, ये एक फीमेल पाम है। इनकी 30 इयर्स कंप्लीट हो चुके और 31 रनिंग एज है। सरकारी जॉब या बिजनेस, आपके 41 इयर्स तक या उससे थोड़ा सा पहले तक, मेरे हिसाब से 41 तक पैसा खूब आएगा और पैसा खूब जाएगा भी, क्योंकि धन रेखा पर कट भी है, बहुत सारे ऑफशूट भी है, तो पैसा तो खूब आएगा क्योंकि आपके हस्बैंड के सनमाउन पर कम से कम 6 या 8, मुझे जहाँ तक याद है, बहुत सारी फिश लाइनें मैंने बताई थी। 2-3 दिन पहले ही मैंने एनालिसिस किया था। और सरकारी जॉब आपका सेटलमेंट मुझे विदेश में लग रहा है, तो सरकारी जॉब में दिमाग लगाओ ही मत आप। और बिजनेस करना है तो आप आराम से कर सकते हो, पर बीच बीच में आपको घाटे भी भरपूर जाएंगे, यानी रोलर कोस्टर टाइप की जीवन रहेगी। और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अभी क्यों आ रही है, क्योंकि आपको एक वर्तमान में एक अच्छी राहु रेखा ने काटा है। राहु रेखा को अच्छी तो कहा नहीं जाता, पर थोड़ी व्यवस्थित मोटी राहु रेखा ने काटा है, तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको दिमाग में देगी और चीज़ें भी रुकती हुई दिखेगी। और 41 तक आपके हाथ को मैंने अगर रिसर्च किया तो 41 तक धन रेखा पर कट चल रहे। फ्यूचर में मिलियनर या बिलियनर के तो चांस नहीं है, क्योंकि इतनी मजबूत भी धन रेखाएं नहीं है, पर आप मल्टी मिलियनर तो जरूर बनोगे, क्योंकि एक समय आएगा आपके पास कई जगह से पैसा आएगा, तो ये तो गारंटी है, मल्टी मिलियनर तो जरूर बनोगे। पर 41 तक बहुत सारा स्ट्रगल भी रहेगा, खूब सारा पैसा भी आएगा और खूब सारा जाते भी दिखेगा आपको, इस साथ साथ में चलेगा। एक सवाल है आपका, फाइनेंशियल कंडीशन कब ठीक होगी? 41 के बाद आपको काफ़ी रिलैक्स होता हुआ दिखेगा, जीवन के उतार चढ़ाव में आपको एक सुकून सा होता हुआ दिखेगा, इस तरह का हाथ है ये आपका। जब ये सवाल आया, और कितना स्ट्रगल है, इतने अच्छे पाम वाले व्यक्ति जब इस तरह का सवाल पूछते हैं तो थोड़ा आश्चर्य होता है, बेचारा साधारण आदमी कहाँ जाएगा। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं, इतना खराब हाथ भी नहीं है, ठीक है। 41 तक उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कट है, राहु रेखाएं भी है, आपको धन रेखा पर भी कट है, ये सब चलते रहेगा। 41 के बाद आपको एक थोड़ा सा अच्छा खासा रिलैक्स होता हुआ जीवन में दिखेगा और बाद में सुकून से आपके पास पैसे आते हुए दिखेंगे, जो जाएंगे नहीं, इस तरह का हाथ है ये। जब यहाँ पर थोड़ी सी भी दो उंगलियाँ ऊपर हो तो ऐसे लोगों की समझदारी में थोड़ा सा अंतर होता है, जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ये लोग ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है कि मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये पाम पूरा स्क्वायरिश पाम है, तो बहुत ज़्यादा मेहनती होते और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाते। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है कि नहीं पता नहीं, पर सेकेंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ अपनी बात रख पाते होंगे और थोड़ा सा मांसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। फर्स्ट फैलेंज मुड़ रहा है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। और आपके जैसा व्यक्ति अगर निराश हो जाए, जिसकी ये सन की फिंगर इतनी बड़ी हो, ये लोग जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं, कैसी भी परिस्थिति रही जीवन का आनंद जरूर लेते और बहुत हिम्मती स्वभाव के लोग होते हैं, जिनकी सूर्य की उंगली बड़ी होती है और जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ये लोग ले सकते हैं। यहाँ पर ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँच रही और ये सिरा थोड़ा सा मुड़ रहा है, तो पैसे कमाने की ललक आपके पास हमेशा बनी रहेगी। और ये जब फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँचता तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमजोर होता है। अब एक एक करके इंक लगे हुए पाम पर ही चलते, वो काफ़ी क्लियर फोटो है। बुध पर्वत पर छोटी छोटी रेखा है, ये प्लस पॉइंट है और बुध पर्वत अपने आप में उभार है। और ये जब मूर्ति है तो ऐसे लोगों को हस्बैंड जो मिलता है वो एट्रैक्टिव मिलता है। जब ये बुध पर्वत इतना अच्छा हो
तो स्पष्ट वक्ता होता है, कोई भी चीज छुपाता नहीं, बिजनेस सेंस होता है, वाणी एकदम मधुर शहद की तरह होती है, ये सारा एडवांटेज मिलता है। अब आपके सन माउंट पर बहुत ज़्यादा स्पेशल साइन तो नहीं है, पर एक जरूर है, पर आपके हस्बैंड के हाथ में है तो वो आपके हाथ में है, ऐसे ही समझ के चलिए आप। ये यहाँ पर मुझे एक साइन है और ऐसे आपके हस्बैंड के हाथ में कम से कम 6 या 8 है। अब ये बहुत ज़्यादा समृद्धि तो नहीं देती, पर मैं कंपैरिजन आपके हस्बैंड के हाथ के साथ आपका कर रहा हूँ। इसके लिए आपके जीवन में बाकी मल्टीमिलियनर इस साइन से नहीं बनता, इतनी साइन से नहीं बनता, पर आपके हस्बैंड के हाथ में बहुत ज़्यादा फिश साइन है, इसके लिए आप मल्टीमिलियनर बनोगे। यहाँ पर स्क्वायर साइन है, इंटरनेशनल लेवल का काम आपका या आपके हस्बैंड का होगा, और आपके हस्बैंड का है ही ऑलरेडी, स्त्री के हाथ में हो तो उसका फल पुरुष को भी मिलता है, तो ये एक एडवांटेज है आपके हाथ में। और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहता है, आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है। और मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन है आपके हाथ में, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रॉपर्टियां भरपूर बनाओगे आप। और एक ट्राइंगल भी बन रहा है, ये भी एक प्लस पॉइंट है, मन की सारी इच्छाएं पूरी होगी। और यहाँ पर एक हल्की सी अच्छी कहूँ वैसी साइन है। अब इसका फल आपको मिलेगा या आपके हस्बैंड को मिलेगा, क्योंकि स्त्री के हाथ में जनरली पुरुष को भी ये इस तरह की साइन है जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर फेम दिलाएगी। या तो आपको ये फल मिलेगा या आपके हस्बैंड को मिलेगा, और इंटरनेशनल लेवल से पैसा भी आएगा, और आपके हस्बैंड के हाथ में वो आ ही रहा है, और आपके हाथ में भी इस तरह के संकेत है। अब चलते आपके रेगुलर हिंग लगे हुए पाम पर। यहां पर जब दो रेखाएं होती है तो ऐसे लोगों को बेसिक नॉलेज तो अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति उन्नति भी करता है, पर इनको अपने बेसिक नॉलेज पर घमंड भी रहता है, ये एक माइनस पॉइंट भी रहता है। और ये पार्ट जब उभार हो तो व्यक्ति को सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता, आलस्य फील करता है, पर एक बार बेड से उतर गया उसके बाद एक्टिव रहता है व्यक्ति। ये जो साइन है ये एक सीढ़ी नुमा है, ये आपको बुढ़ापे में बहुत फायदा देगी, बुढ़ापे में भरपूर इसके कारण ग्रोथ मिलेगा आपको। ये सीढ़ी नुमा फेट लाइन है आपकी, ये व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और चौथा लाभ व्यक्ति जो भी कार्य करता है बड़े स्तर का करता है, तो कई लोगों को 4 लाभ मिलते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। और आपकी लगभग बुढ़ापे में सारी फेट लाइनें सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो आपका विदेश सेटलमेंट पक्का है। जुपिटर माउंट डिस्टर्ब है, इस तरह का जुपिटर माउंट वाले व्यक्ति का पारिवारिक और सांसारिक तकलीफों भरा जीवन रहता है, मैं इसका उपाय दे दूंगा, ये एक माइनस पॉइंट है आपके हाथ में। और बहुत बड़ा जुपिटर माउंट है तो आपके हाथ से खाना टेस्टी बनता होगा, किसी की सुनने की आदत नहीं होगी, सुनाने की आदत होगी, और जो भी कार्य करोगे बड़े स्तर का करोगे, तो ये सारा एडवांटेज है। और ये जो लाइन है ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है, पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। तीसरी चीज सेवाभावी बनते और धार्मिकता देती है। और ये जो लाइन है ये लाइन व्यक्ति को कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है, और कोई खराब समय भी आए तो नीचे गिरने नहीं देती, स्थिर रखती है।
अंदरूनी मंगल अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी आप में। और ये जो लाइन है, ये बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं है, इतनी लाइनें भारतीय समाज के अंदर किसी भी स्त्री के हाथ में कॉमन चीज़ है। क्योंकि हमारा जो सिस्टम बनी हुई है, जो सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है, उसमें स्त्रियां बहुत ज़्यादा टेंस ले रही है परिवार के बारे में। तो इतनी लाइनें एक कॉमन सी है, इसके लिए कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। भारी मंगल मध्यम टाइप का है, जब किसी से मिलोगे तो किसी से तो बहुत एनर्जी से मिलोगे और किसी से सेफ्टी लेकर मिलोगे। चंद्र माउंट पर ये स्क्वायर साइन, ये आपको सच्चाई पसंद इंसान बनाता, आपको झूठ पसंद नहीं आता। और ये जो क्रॉस है, ये हमेशा आपको जीवन के प्रति डर पैदा रखता है, डर लगता है। आज मैं जहाँ पर हूँ वहाँ से नीचे गिर गई, तो इस तरह की फीलिंग आपको हमेशा आती रहेगी। मैं इसका भी उपाय दे दूँगा। और ये जो माइंड लाइन के पास पैरेलल लाइन चलती है, ऐसे लोगों को नींद से रिलेटेड इश्यू रहते ही है। अब चंद्र पर्वत पर जाने वाली रेखा है, ये आपको विदेश सेटलमेंट कराएगी और आपका चंद्र पर्वत भी बहुत ज़्यादा उन्नत है, तो आप अच्छे परचेसर होंगे, विदेश से संबंध आएगा जो ऑलरेडी है ही आपके हस्बैंड का, तो है ही आपका, पता नहीं मुझे, पर आपका भी ये लाएगा चंद्र पर्वत। रिफाइंड सोच होती है, नए नई चीज़ें करने का शौक होता है जिनका चंद्र पर्वत अच्छा होता है। और यहाँ पर मनी ट्रायंगल तो कंप्लीट नहीं बन रहा है, ब्रेक होकर चल रही है लाइनें। और फिश साइन वालों को न भी हो तो कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शुक्र पर्वत पर थोड़ी बारीक रेखाएं जाता है, ये व्यक्ति को टेंस देती है। मैं इसका उपाय दे दूंगा, पूजा का उपाय, बहुत आसान उपाय है। ये जब रेखाएं होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे किसी ने जकड़ के रखा है, लोहे की जंजीरों से पैर को बांध के रखा है, इस तरह की फीलिंग आती है। और बहुत ज़्यादा लाइन है, बहुत ज़्यादा अति लाइन है, इसका आपको रियल में उपाय करना ही पड़ेगा, मैं दे दूंगा। और शुक्र पर्वत फ्लैट है थोड़ा, तो बहुत ज़्यादा लग्जरी के पीछे नहीं भागोगे आप। जैसे कार में बैठ गए, आपकी कार में एसी है तो आप एसी बंद करवाओगे, बेडरूम में एसी है तो उसे बंद करवाओगे, और नॉर्मल में सोने की इच्छा रखोगे आप। लग्जरी चीज़ें सारी मिलेगी पर उससे दूर भागने की कोशिश करोगे, क्योंकि शुक्र पर्वत फ्लैट है, पर शुक्र ने घेरा अच्छा लिया हुआ है, तो लग्जरी चीज़ें सारी मिलेगी। और बहुत टाइम के बाद इतनी रेखाओं वाला, बारीक रेखाओं वाला पाम आया है, ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है ये हाथ में, जब इतनी बारीक रेखाएं होती है तो ये ऐसे जकड़ के रखती होगी आपको। और ये जो शब्द अभी मुझे पता चला कि आपके जो शब्द निकले, और कितना स्ट्रगल है, क्योंकि आपका पाम इतना भी स्ट्रगल वाला नहीं दिख रहा जितना आप फील कर रहे हो। तो ये हो सकता है इस लाइनों के कारण आपके जीवन में ये कंडीशन हो, और ये लाइनें निकलती भी है विथ प्रूफ। आप ये फोटोग्राफ संभाल के रखना, वो उपाय करने के बाद ये लाइनें निकलते दिखेगी और एक हल्का सा फील करोगे आप जीवन में, एक रिलैक्स फील करोगे। अब आपकी हृदय रेखा पर चले, हृदय रेखा पर ये इस तरह से लाइन चल रही है। ये शुरुआती समय में आप बहुत ज़्यादा आदर्शवादी बनोगे, आपको प्यार का प्रदर्शन करने नहीं आएगा, क्योंकि सीधी रेखा है, मन में प्यार होता है पर किसी को दिखावा नहीं कर पाते आप, ये एक माइनस पॉइंट होता है। और सर्टन एज के बाद आपकी हृदय रेखा ऐसे चल रही है, ये व्यक्ति को गुस्सा दिलाती है, हमेशा गुस्सा रहता है, पर आजकल मुझे पता चला है कि ये जब तक कौ रहती है तब तक ही गुस्सा रहता है। ये मेरा रिसर्च चालू है, एक व्यक्ति से मुझे पता चला, और इसी तरह ये लगभग 40 तक या 42 तक आपको गुस्सा रहेगा, उसके बाद गुस्सा कम हो जाएगा आपका। हृदय रेखा थोड़ी सी पैरेलल चलती है तो झंझटों भरा जीवन तो रहेगा, आपाधापी लगी रहेगी। इसके अलावा इसके कारण कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आता, पर
और केवल आपाधापी लगी रहेगी जीवन में, झंझटों भरा जीवन रहेगा। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है, और ये लाइन फ्लैट लाइन है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब आपकी माइंड लाइन एक यहां से निकली और ऐसे चली, तो यानी बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा टीनेज में 12-13 साल के आसपास कि आपका माइंड चेंज हुआ होगा, और यहां से फिर ये माइंड लाइन सीधी निकली और अप टू यहां तक चल रही है। और इसके बीच में पैरेलल लाइन है, ये आपको जीवन में ऑलवेज प्रेशर देगी, और ये यहां तक तो है ही है। ये भी 42 तक आपके हाथ में है ही है, यानी 41-42 तक की स्थिति आपकी प्रेशर में रहेगा ही। जीवन पैरेलल लाइन है, इसको आप एक्सेप्ट करके ही चलिए। और उसके बाद बहुत ज़्यादा धार्मिक बनते जाओगे आप, बाहर वालों के लिए उत्तम होंगे, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करोगे, ये माइनस पॉइंट। व्यक्ति चेंज होते रहेंगे, आज समझो आपने शादी के पहले किसी और व्यक्ति को आपने बोल बोल करते होंगे, शादी के बाद हो सकता है आप हस्बैंड को करो, हो सकता है बच्चे बड़े हो जाए हस्बैंड को छोड़कर बच्चों को ज़्यादा बोल बोल करो, किसी एक व्यक्ति को ऑलवेज पकड़ के रखोगे आप बोल बोल करने के लिए, ये माइनस पॉइंट रहेगा आप में। और इस लाइन के बारे में मैंने जानकारी दे दी है, ये लाइन व्यक्ति को नींद से रिलेटेड इश्यू देगी। और इसका मतलब ये नहीं होता कि जीवन भर व्यक्ति नींद से रिलेटेड इशू, बीच बीच में इस तरह के प्रॉब्लम आते, किसी को 2 साल के लिए, किसी को 12 साल के लिए, और बीच में रिलैक्स भी होता है, पर नींद से रिलेटेड इश्यू आपको रहेंगे रहेंगे और रहेंगे। और माइंड लाइन थोड़ी सी छोटी है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा आता होगा। अब आपकी जीवन रेखा पर चले, इस लाइन ने आपकी शादी कराई, ये 26 के आसपास, 28 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा, और यहां पर बहुत सारे ऑफशूट थे, शादी के पहले भी ऑफशूट था और यहाँ पर भी एक ऑफशूट है, इस पर मैं बाद में आता हूँ। 28 को एक राहु रेखा ने काटा, उसके बाद 30-31 में, अभी ये इस राहु रेखा के पीरियड से आप गुजर रहे हो, इसके लिए और नेगेटिव दिमाग आप में भरा रहता है। उसके बाद 35-36 और 38 छोटी सी रेखा है, और 41 और 43 इतनी राहु रेखा है, और एक 51 में ऑफशूट है, और 52 में ऑफशूट है, और एक नियर एंड डियरर की डेथ है 52 में, 51 में ऑफशूट है और एक नियर एंड डियरर की 52 में डेथ है, और ये यात्रा रेखा है जो आपको यात्रा करने मिलेगी। अब आपके यहाँ पर देखिए, ये जीवन रेखा जब इस तरह से चलती है तो ऐसे लोगों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव आते हैं। ये बार बार आपको, अभी का जो समय आएगा, ये बार बार आपको कम से कम 3 चेंज आपके मिनिमम आएंगे, और मैक्सिमम 4 चेंज आएंगे, और वो सारे पॉजिटिव होंगे, क्योंकि जीवन रेखा जब इस तरह से टूट टूट कर चलती है, इससे कोई बहुत बड़ा तो क्या 1% का भी नुकसान नहीं होता। लोग घबराते इस चीज़ से, पर इससे कोई नुकसान नहीं होता, केवल फर्क इतना होता है कि व्यक्ति की जब चेंज होती है तो या तो व्यक्ति घर बदलता है, या शहर बदलता है, या देश बदलता है, 3 में से कोई एक चीज होगी। और ये छोटे से पीरियड में 40 साल के अंतर, अभी से लेकर 40 के अंदर आप कम से कम 3 बदलाव या मैक्सिमम 4 बदलाव आपके जीवन में आएंगे। तो 3 में से ये जो बताया, इस तरह के बदलाव आपके जीवन में आएंगे, और वो सारे पॉजिटिव होंगे, वो नेगेटिव नहीं होंगे, और बहुत सारे ऑफशूट है तो आपको अचानक बहुत सारा आता हुआ भी दिखेगा, और धन रेखा पर जब कट है, मैं उस पर भी आऊंगा, उस समय जाता हुआ भी दिखेगा आपको। और ये राहु रेखा जब आएगी, अभी थोड़ी बड़ी राहु रेखा ने काटा है, इसके लिए ज़्यादा टेंस में हो आप, बाकी छोटी छोटी राहु रेखाएं आपको डिस्टर्ब करती रहेगी,
तो ऐसा कोई टेंस वाला हाथ नहीं है, बहुत ज्यादा टेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, खाली टेंस ये यहां पर ज्यादा दिख रहा है मुझे। अब धन रेखा पर भी देखिए, हर जगह कट है आपके, ये कट लगा लगभग 24-25 के आसपास, एक 29 में आपको कट लगा, एक कट लगा 30 के आसपास यही पीरियड में, अभी वर्तमान में इस फेट लाइन पर देखे तो ये भी 30 के आसपास कट है, एक 34 के आसपास कट है, एक 34 के आसपास थोड़े दो कट है, यहाँ पर 35 के आसपास कट है, 33, यहाँ पर कट 41 में है, और इस तरह के कट 38 में भी है, 39 में भी है, ये इस तरह से कट चल रहे। इसके बाद कोई मेजर कट आपके हाथ में नहीं है, ये यहाँ तक का पीरियड आपके संघर्ष वाला रहेगा। और सेम इसी तरह की कंडीशन आपके हस्बैंड के हाथ में भी है, उनकी लगभग 45 या 46 के आसपास से एक सीधी रेखा जा रही है जो उन्नति उनको देगी, बहुत ज़्यादा उन्नति देगी, क्योंकि उनके हाथ में बहुत सारी फिश साइन है, और बीच बीच में आपको घाटे भी लगते रहेंगे, वो सेम चीज़ आपके हाथ में भी है। अब आई थिंक उनका उम्र 35 है और आपकी उम्र 30 है, तो दोनों में 5 साल का अंतर है, तो आप 41 और उनका 46 लगभग, मुझे मैंने बताया तो लगभग मैच ही हो रहा है आपका हाथ और उनका हाथ। अब आपकी धन रेखा पर चलते हैं, अब ये मैंने कट तो बता दिए, एक कट यहां पर भी है, छोटा सा कट है, ये लगेगा आपको लगभग 45 के आसपास, बाकी कोई कट आपके जीवन में नहीं है, ये सीधी लाइन है तो इसके कारण कोई नुकसान नहीं होता, और ये यहाँ से धीरे धीरे आपकी लाइन है 46 के बाद आपके हाथ में थोड़ी मजबूत होते जा रही है, तो जैसे ये पीरियड निकलेगा यहाँ से उन्नति चालू हो जाएगी, उन्नति तो आपको अभी भी मिलेगी पर वो कहीं ना कहीं नुकसान भी जाएगा, और इसके बाद नुकसान कम जाएगा 41 के बाद, और बहुत अच्छी फेट लाइन 46 के बाद हो रही है, और ऐसे करके बहुत जगह से पैसा आएगा और ये आपको मल्टी मिलियनर बनाएगी, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जीवन में जवानी में थोड़े संघर्ष देख लिए रहते वो अच्छा रहता है, आपका बुढ़ापा बहुत ज़्यादा अच्छा है पैसे के मामले में। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों, और ये जो लाइन है ये विदेश से धन प्राप्ति की लाइन है जो ऑलरेडी आप कर ही रहे हो, और ये सारी लाइनें आपकी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो आपके भी विदेश से धन प्राप्ति के योग काफी उज्ज्वल है, और आपको बिजनेस करना हो 41 तक आप प्राइवेट जॉब कीजिए, 41 के बाद आप बिजनेस करना चाहो तो आराम से बिजनेस करिए, आपके लिए उत्तम रहेगा, सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखेंगे आपको जीवन में, और जीवन की गाड़ी रफ्तार पकड़ते हुए दिखेगी। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।